सो हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? आई थिंक आई शुड ओपन दिस नाउ. ओके सो आ जाओ फटाफट से यार, कम एंड जॉइन द सेशन एज सून एज यू कैन. ओके सो आई थिंक आई एम लाइव नाउ. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल बच्चा? ये आप लिख करके मुझे बता दो. कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस सेशन? जल्दी जल्दी लिख दो. हेलो ऋतिक, कैसे हैं बच्चे आप? हाउ वॉज योर रिजल्ट? शुरू करते हैं सेशन को यार. इट्स बेटर ज्वाइन एज सून एज यू कैन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन. सो इन टूडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट लेसन एंड आई कंप्लीट द होल चैप्टर इन अ सिंगल वीडियो. ओके देवेंद्र, हेलो अनन्या, हेलो ऋतिक, हेलो तीर्थ. सो आई थिंक एवरी वन इज लाइव नाउ. कम बच्चा, कम एज सून एज यू कैन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. शेयर द लाइव विद अदर पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो जॉइन दिस सेशन, बिकॉज इन दिस सेशन आई विल कम्प्लीट द होल चैप्टर. और जब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आई कैन गारंटी यू कि इस चैप्टर से यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. ओके सो इट्स बेटर जॉइन, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड इन तो बेटर यू कैन लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई ओके हर्षित हेलो, ठीक है. एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. हेलो मिताली, हाउ आर यू बच्चे? सो आई थिंक 10 पीपल आर ऑलरेडी इन. आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दिस सेशन. ओके सो इन टुडेज वीडियो हम आज बात करेंगे बच्चा द लास्ट लेसन की. एंड द लास्ट लेसन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट लाइक क्लास 12th एग्जामिनेशन. सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके द सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड द चैप्टर वन ऑफ बुक फ्लेमिंगो. ओके सो आई विल कवर द होल चैप्टर इन वन शॉट. ओके सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को देखें, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं यार. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो दिस इज कृति शर्मा, एज यू कैन सी हेयर. ओके आई एम एजुकेटर फॉर CBSE क्लास 12th. आई एम अ यूट्यूबर एंड माई चैनल नेम इज क्रिएटिव लर्निंग एंड आई हैव मोर देन 90,000 सब्सक्राइबर्स देयर. इन क्लास 12th आई स्कोर 95%, दैट इज 10 CGPA एंड आई हैव ऑल्सो बीन अवॉर्डेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन 2016 फॉर माई एकेडमिक परफॉर्मेंसेज. ओके हाँ जी बच्चा, फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड. ओके ओके देन टॉक अबाउट माई पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस. तो आई हैव 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस स्पेशली ऑफ टीचिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को टीच करने का. टॉकिंग अबाउट द अनअकैडमी प्लस फीचर, वाई मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स प्रेफर यू टू गो एंड टू हैव सब्सक्रिप्शंस ऑफ अनअकैडमी प्लस. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज इन अकेडमी प्लस देर आर डेली प्रैक्टिस सेशन एंड मॉक टेस्ट एज वेल. थैंक यू ऋतिक. Okay, so you can purchase any of the subscription, whether it's 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, doesn't matter. Jo bhi aap comfortable hai, you can go with the subscription and you can apply my code, that is Kriti Sharma 10, and you'll be eligible for straight 10% discount. Okay, Unacademy Plus. So you can use this referral code right here in this particular box and then you can click on proceed to pay. Okay, bache, I have already shared my details, so you can just go. Okay, so in this chapter we're going to have a quick revision hone wala hai bahut jaldi tarike se. Ab main aapko bata deti hu, in this 45 minute I'll make you each and everything like matlab crystal clear. I have already mentioned this Bhavya, you can just go back and watch that. Okay, so I don't want to waste time again and again just telling things about myself. You are the best ma'am of English. Thank you, Mitali. Okay, so talking about a quick revision. तो मैं आपको बता देती हूँ कि last lesson को लिखने का theme क्या था. What was the reason behind writing this particular chapter? So last lesson is a set in the days of Franco-Prussian War. So क्या हुआ था? Last lesson तब लिखा गया था when the Franco-Prussian War was going on. And Franco-Prussian War कब हुआ था? 1870 and 1871 में. Why? जो 1870 and 1871 में आपका Franco-Prussian War हुआ था. And what was the reason for that particular
particular cheese. I think these students are from my Unacademy class, so they are already aware of this thing. So in 1870 and 1871 was the time when Franco-Prussian War happened. And at that particular time, Bismarck, who was Bismarck? Is there anyone who knows this? Ki Bismarck kaun tha? Who was Bismarck? Is there anyone who is aware of this fact? Who was Bismarck? फटाफट से लिखो, मैं भी देखूं कौन था बिस्मार्क, जल्दी से लिखो. यू आर ऑसम मैम, थैंक यू. आपको पता है बच्चा बिस्मार्क कौन था? हु वाज बिस्मार्क? जल्दी से बताना मैं देखूं. थैंक यू कृतिका. बच्चा बिस्मार्क जो था, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया दैट टाइम. वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था प्रशिया का. ओके, सो प्रशिया का प्राइम मिनिस्टर था, तो ही वॉज द ओनली वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर. एंड हाँ, और या ऑटोमन एम्परर, तो ये रिस्पॉन्सिबल था उस वॉर को कंडक्ट करवाने के लिए. और अल्टीमेटली हुआ क्या था कि प्रशिया क्योंकि ज़्यादा पावरफुल था, तो प्रशिया डिफीट कर देता है फ्रांस को. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, फ्रांस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक एल्सेस एंड लोरेन, वो सारे के सारे प्रशियन हैंड्स में चले जाते हैं. व्हाई दिस हैपेंड, जस्ट बिकॉज वो वॉर में हार जाते हैं. फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट या फ्रांस जो कंट्री है वो वॉर में हार जाती है. दैट इज़ द रीज़न जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थे वो सारे के सारे प्रशियन के हैंड्स में चले जाते हैं. सो बेसिकली देर आर टू प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी. सो हु आर द टू प्रोटागोनिस्ट? कौन कौन से दो प्रोटागोनिस्ट थे यहाँ पे? हाँ, ओनली जर्मन. ओके हर्षित, शाबाश. सो हु आर द टू प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी? जल्दी से बताओ दो प्रोटागोनिस्ट कौन है. प्रोटागोनिस्ट, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट डज दिस वर्ड प्रोटागोनिस्ट मीन्स? प्रोटागोनिस्ट मीन्स समवन अराउंड विच द होल स्टोरी रिवॉल्व्स. ठीक है, बेसिकली एक मेन कैरेक्टर जो आपके पास है. ओके मिताली, शाबाश. एम हेमल, एंड हु इज द सेकेंड वन? फ्रांस. ओके शाबाश. तो एम हेमल इज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर. तो टू प्रोटोगोनिस्ट हैं, वन इज फ्रांस एंड द सेकेंड वन इज योर एम हेमल. सो बेसिकली एम हेमल इज अ टीचर फ्रेंच लैंग्वेज, हु टीचर्स फ्रेंच लैंग्वेज, एंड फ्रांस इज अ स्कूल स्टूडेंट. ओके, सो दो कैरेक्टर्स हैं दो के बारे में, और इन्हीं के अराउंड सारी स्टोरी रिवॉल्व हुई है. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें. तो हम अब पूरी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि इस चैप्टर से अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, सो दिस इज द ओनली रीजन टू फोकस वट एवर आई एम टेलिंग यू. यू हैव टू अंडरलाइन एवरीथिंग दैट आई विल टेल यू टू अंडरलाइन, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मेक श्योर वेन एवर आई एम टेलिंग यू समथिंग और मेकिंग यू अंडरलाइन समथिंग, यू हैव टू डू इट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. सो बेसिकली फ्रांस कौन था यार? मैंने पहले ही बताया कि फ्रांस इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी. और फ्रांस कौन है यार? एक स्कूल बॉय है. ठीक है, तो फ्रांस यार स्कूल के लिए बहुत लेट उस दिन उठता है, तो वो लेट स्कूल के लिए बहुत लेट उठता है, दैट इज द रीजन उसको काफ़ी लेट होती है स्कूल के लिए. हिज फ्रेंच टीचर एम हैमल हैड अनाउंस दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास एंड पार्टिसिपल्स. हुआ क्या होता है कि जो उनका फ्रेंच टीचर होता है, हु वॉज द फ्रेंच टीचर? एम हैमल. एम हैमल हैड ऑलरेडी अनाउंसड कि वो क्या करेंगे, ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स. वो बच्चों से क्या करेंगे यार? पार्टिसिपल्स पे क्लास लेंगे बच्चों से. ठीक है, सो यहाँ पे फ्रांस ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट उठा है यार, तुम लोगों की तरह बिल्कुल पढ़ना नहीं जाता है. एंड उसके जो टीचर हैं दैट इज़ एम हैमल, उन्होंने ऑलरेडी एक दिन पहले अनाउंस कर चुका था कि वो क्लास में पार्टिसिपल्स पूछेंगे. सो पुअर फ्रांस डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट देम. सो यार पुअर फ्रांस को बेचारे को कुछ नहीं आता, ही डज नॉट इवन नो अ सिंगल वर्ड अबाउट इट. एंड अब उसको डर लग रहा है, कि उसको उसका टीचर क्या करेगा? स्कॉल्ड करेगा. ओके, नाउ ही इज़ अफ्रेड दैट हिज टीचर विल डेफिनेटली स्कॉल्ड हिम फॉर नॉट प्रिपेयरिंग अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स. सो इट वॉज अ ब्राइट सनी डे एंड फॉर अ मोमेंट फ्रांस थॉट रनिंग अवे एंड spend the whole day outside. So it was totally an unusual day. ठीक है, on that day it was bright and sunny. बहुत अच्छा मौसम था, है ना. सबको लग रहा था कि चलो अब यहाँ पे क्या सोच रहे हो, यहाँ पे फ्रांस सोच रहा है कि ही शुड गो एंड ही शुड रन आउट ऑफ द क्लास, ही शुड नॉट गो टू द क्लास. उसको क्लास में नहीं जाना चाहिए और उसको बाहर घूमना चाहिए बिकॉज इट्स ब्राइट सनी आउटसाइड. तो उसका मन क्या करता है यार? जय श्री कृष्णा, राधे राधे. बेटा चाचा की शादी में आए हो, क्लास में लेट आ रहे हो, मत लिखना चाचा विधाई आ गए हमारे. ठीक है, सो उसको लगा कि आई शुड ऑल्सो लीव एंड मुझे भी अब स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर तो बहुत अच्छा मौसम है. ठीक है, ऐसा उसको लगता है, चलो मैं भी घूमने जाता हूँ. द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स एंड द मार्चिंग
of Prussian soldiers were much more tempting than the rules of participles. And कुछ time बाद क्या होता है, birds जो हैं वो chirping कर रही होती हैं, birds की प्यारी प्यारी आवाज़, and Prussian soldiers march कर रहे होते हैं, ये और भी ज़्यादा tempting होता है. Tempting का मतलब क्या होता है बच्चा? What does this word tempting means? Would anybody tell me this? जल्दी जल्दी बताओ, tempting का मतलब क्या होता है? मैम भाई का ऑनलाइन एग्जाम था, ठीक है ओके. टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है यार, जल्दी से बता दो. व्हाट इज दिस वर्ड टेम्पटिंग मींस? अट्रैक्टिव. बच्चा ये समरी ही है, डोंट वरी. हाँ यार सही बात है, इस बार हम मामा जी की शादी रखेंगे. चाचा की शादी तो मैंने कल करवा दी थी. द चिरपिंग ऑफ द वर्ड्स एंड द मार्चिंग ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स वर मच मोर टेम्पटिंग. सो फाइनली अब पहले तो उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, ही इज ऑलरेडी अफ्रेड कि उसका टीचर उसको मारेगा बिकॉज ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड लेसन ऑन पार्टिसिपल्स. लेकिन अब उसको ऐसा भी लग रहा है कि प्रशियन सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, बर्ड्स आवाज़ कर रही हैं, साउंड्स प्रोड्यूस कर रही हैं. सो उसका ये भी मन कर रहा है कि ओके हर्षित, उसका ये भी मन कर रहा है कि ही शुड स्किप, और उसको क्या करना चाहिए यार, बाहर जाकर के घूमना चाहिए. हाउ एवर फ्रांस वॉज एबल टू फाइट द टेम्पटेशन, बट यार एट द एंड अल्टीमेटली ही वॉज एबल टू फाइट फ्रॉम हिज टेम्पटेशन. टेम्पटेशन मीन्स बच्चा, नो बच्चा, नॉट टेम्पटिंग इज नॉट, इट डज नॉट मीन डरना. टेम्पटिंग मीन्स लुकिंग अट्रैक्टिव. ओके, तो हाउ एवर फ्रांस वॉज एबल टू फाइट, फाइनली फ्रांस सारे टेम्पटेशन से फाइट करता है और फटाफट से स्कूल भागना शुरू कर देता है. ओके, सो ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा होता है, फ्रांस पास द टाउन हॉल. सो बेसिकली व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वाइल गोइंग टू स्कूल देयर वॉज अ प्लेस, जिस प्लेस का नाम है यार एक टाउन हॉल करके एक जगह है, वहाँ पर वो क्या नोटिस करता है यार, ही नोटिस अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. सो ही नोटिस दैट अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ क्राउड ऑफ लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. ओके, तो सारे लोग क्या हैं, बुलेटिन बोर्ड के आगे खड़े हो रखे हैं. एंड फॉर द पास्ट टू ईयर्स, पिछले दो सालों से बच्चा, टेम्पटेशन मीन्स टू लुक अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव लिखना, सीम्स अट्रैक्टिव टू, लाइक दैट इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ टेम्पटेशन. सो फ्रॉम पास्ट टू ईयर्स ऑल द बैड न्यूज हैड केम फ्रॉम इट एंड फ्रांस थॉट अबाउट व्हाट द मैटर वॉज दिस टाइम. एंड बेसिकली हो क्या रहा था कि पिछले दो सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ थी, दे वर कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बोर्ड ओनली. सो दिस टाइम फ्रांस वॉज थिंकिंग कि भाई इस बार ही ऐसा क्या हो गया, वाई द पीपल आर गैदर्ड हेयर इन द इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वॉट इज द रीजन ऑफ पीपल गैदरिंग हेयर इन द टाउन हॉल. सो यहाँ पे वो काफ़ी सरप्राइज फील कर रहा है, ही इज़ फीलिंग सरप्राइज कि भाई अब लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं और इस बार ऐसा क्या हो गया, क्योंकि पिछले दो सालों से सारी बैड न्यूज़ वहीं से आ रही थी. इस बार आएंगे बच्चा, ठीक है, दिस टाइम द एग्जामिनर विल डेफिनेटली सेट वन मार्क्स क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, इतना समझ आया सबको? एज ही वॉज हरिंग पास, जैसे जैसे वो जल्दी जल्दी जा रहा था, वॉशर द ब्लैक स्मिथ कॉल्ड आउट टू हिम. अब जैसे ही वो फटाफट से जाने की कोशिश कर रहा था, तो वॉशर जो क्या है, एक ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ बोले तो वो लोहार जिसको बोलते हैं, कॉल्ड आउट हिम, वो उसको बुलाता है और कहता है कि अरे अभी बहुत टाइम बचा यार स्कूल जाने के लिए. अब ये ही वॉज बेसिकली ट्राइंग टू टॉन्ट हिम, सरकास्टिक वे में कह रहा है, जैसे तुम लोग कभी स्कूल जाते हो, ब्लैक स्मिथ बच्चा लोहार, ओके, आयरन मैन. सो होता क्या है कि जब आप लोग स्कूल जा रहे होते हो और आप काफ़ी लेट होते हो, तो आपके पड़ोसी आपको टॉन्ट मारते हैं, या आप दोस्तों के साथ कहीं, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, एंड इन केस आप लेट हो जाते हो, तो क्या होता है, सामने से दोस्त कहते हैं माता भाई बहुत टाइम पड़ा, आराम से आइयो, कोई टेंशन नहीं है, है ना. समथिंग लाइक दिस हैपन टू यू एंड यू हैव टू फेस ऑल द क्रिटिसिज्म एंड देन दिस सॉर्ट ऑफ टॉन्ट्स. सो या चलो ठीक है, एज ही वॉज हरिंग पास, तो वॉशर जो ब्लैक स्मिथ है यार, वो भी ऐसे टॉन्ट मारता है कि भाई बहुत टाइम बचा, आराम से आ, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल जाने का भी बहुत टाइम है. सो बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू टॉन्ट हिम कि तू ऑलरेडी लेट है और तू यहाँ पे भीड़ के आगे खड़ा रह करके टाइम पास कर रहा है, सो गो फॉर योर क्लास, ठीक है, तुम्हें लेट हो रहा है. फ्रांस थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, सो फाइनली फ्रांस रियलाइज दैट कि या दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मेकिंग फन ऑफ हिम, तो आई शुड गो एंड आई शुड रीच द स्कूल. सो फाइनली ही रीच द स्कूल पैंटिंग, पैंटिंग मतलब सांस फूल रही होती है, तो वो क्या करता है, स्कूल पहुंच जाता है अल्टीमेटली. ओके, व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल, जब फ्रांस क्या है स्कूल पहुंचता है, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज टू फाइंड दैट एवरीथिंग वॉज क्वाइट. एंड जब वो स्कूल पहुंचता है, तो वो क्या देखता है, बहुत सरप्राइज फील करता है. व्हाई ही वॉज सो सरप्राइज, बिकॉज ही वॉज सरप्राइज बिकॉज ही सॉ कि सामने आस पास जितनी भी जगह है, क्या है, देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड. एक स्कूल है जिसमें इतने सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, सो व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ साइलेंसनेस इज प्रिवेल्ड देयर, हाफते या इतनी 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 वहाँ पे साइलेंस क्यों है उस दिन,
why the things are so silent there. So usually when the school begin, जैसे ही school begin हुआ करता था, there would be great commotion. Commotion means बच्चा होता है activities, noise activities. यानी you are doing something that produces noise. So that is basically what commotion means. And activity, activity मतलब बच्चे कुछ ना कुछ काम करते रहते थे या कोई तरीके का हल्ला होता था. But that day everything was silent and quiet. Nobody was making any sort of sound. ठीक है बच्चा, noise या France had often बच्चा आई लास्ट क्वेश्चन डेफिनेटली चिंता मत करो उस टाइम पे भी पिटाई भी पड़ेगी फिर. फ्रांस हैड ऑफन काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू हिज डेस्क एंड नोटिस. तो बेसिकली फ्रांस जो रहता था वो डिपेंड रहता था कॉमोशन पे, यानी हल्ले पे डिपेंड रहता था, और वही एक सोर्स था जिसके थ्रू वो चुपचाप से निकल करके अपने डेस्क तक अननोटिस्ड पहुंच जाया करता था. लेकिन इस बार क्या हो गया है, उसका क्या हो गया, पागल बना दिया गया है, क्योंकि आज के दिन तो बहुत शांति है एंड ही इज़ वरीड कि भाई अब तो सब कुछ इतना शांत है जैसे इट सीम्स लाइक अ संडे मॉर्निंग, और अब इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर हिम कि वो अपने सीट में बिना नोटिस हुए चले जाए, बिकॉज एवरीथिंग इज साइलेंट एंड इन ऑर्डर टू या देर वॉज नो सॉर्ट ऑफ हसल बसल इन द क्लास. तो अब क्या है कि बेसिकली इन ऑर्डर टू अपने बेंच पे जाने के लिए गेट सीटेड, उसको क्या करना पड़ेगा यार, फाइनली सब लोग उसको नोटिस करेंगे ही करेंगे क्योंकि कोई हल्ला नहीं है. ठीक है, सो वो अपने सीट पे बैठते हैं एंड एंड जैसे ही वो अपने सीट पे आता है तो फ्रांस नोटिस दैट ऑल द क्लासमेट्स आर ऑलरेडी इन, सब अंदर हैं, बच्चे सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी, टेंशन मत लो. ठीक है, सो सारे लोग ऑलरेडी इन हैं, तो फ्रांस नोटिस दैट ऑल द क्लासमेट्स आर ऑलरेडी इन एंड एम हेमल वॉज वेकिंग अप एंड डाउन इन आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और जो एम हेमल है यार वो ऊपर नीचे वॉक कर रहे हैं और उन्होंने आयरन रूलर को अपने आर्म्स के अंदर दबाया हुआ है. सब पढ़ाऊंगी बच्चे, ध्यान से सुनो. ठीक है, इतना समझ आया सबको, इज दैट मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. बच्चा दो तीन पैराग्राफ्स के बाद मैं अभी आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगी, टेंशन मत लो तू. इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा, समझ आया? डू लेट मी नो अबाउट दिस थिंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम टीचिंग हेयर? यस, ओके, जय श्री कृष्णा. अरे जल्दी टाइप करो यार. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ही हैड टू ओपन द डोर एंड रीच हिज सीट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. सो फाइनली उसको समझ आ गया कि बेटा आज तो मुझे ये दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा, एंड आफ्टर दिस थिंग आई हैव टू एंटर इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, है ना, कि अब तो मुझे फाइनली पहुंचना ही पड़ेगा और मुझे सबके आगे ही बैठना पड़ेगा. ही वॉज ब्लशिंग, सो फाइनली ही वॉज ब्लशिंग. वाई ही वॉज ब्लशिंग, पोपट हो गया उसका बेचारे का, है ना, इसीलिए द रीजन ही वॉज ब्लशिंग. एंड ही वॉज फ्राइटेंड एज वेल, एंड ही वॉज वेरी फ्राइटेंड. वाई ही वॉज फ्राइटेंड, बिकॉज ही वॉज अवेयर ऑफ द बिहेवियर ऑफ हिज टीचर, कि हाउ क्रैंकी हिज टीचर इज, कितना क्रैंकी उसका टीचर है. ओके हर्षित, है ना, तो बिकॉज हिज टीचर इज वेरी क्रैंकी, हिज टीचर इज अ क्रैंकी फेलो, सो दैट इज द रीजन ही वॉज वेरी अफ्रेड. हाँ, पनिशमेंट मिलेगा अब उसको, पनिशमेंट मिलेगा, है ना, बेचारा ब्लश कर रहा है और डरता डरता पहुंच गया. वर्ड सरप्राइज एंड कन्फ्यूज हिम मोर दैट इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग हिम एम हेमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम एंड टोल्ड हिम टू टेक हिज सीट. हुआ क्या कि वो बेचारा तो बहुत उसकी हालत ख़राब थी कि अब तो मुझे टीचर से डांट पड़ेगी क्योंकि मैं लेट हो गया. बट उस दिन क्या हुआ, समथिंग अनयूजुअल हैपन्ड दैट डे. वट हैपन्ड इज इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग हिम हिज टीचर आस्क हिम टू टेक हिज सीट. वो उसको डांटता नहीं है ना बोलता है, बहुत पोलाइटली उसको कहता है कि आओ अपनी सीट पर बैठ जाओ. अब तो उसका दिमाग ही ख़राब हो गया, ही इज़ टोटली आउट ऑफ हिज माइंड कि वो भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ओ भाई मारो मुझे, वॉट इज़ हैपनिंग विद मी, मतलब मेरा टीचर मुझे स्कॉल्ड करने के बदले इतने प्यार से कैसे बोल सकता है कि आओ और तुम बैठो. सो दैट इज़ द रीज़न ही वॉज लाइक सरप्राइज्ड, ही वॉज सो सरप्राइज्ड, उसको काफ़ी सरप्राइजिंग फील हो रहा है. आफ्टर फ्रांस हैड काम डाउन, सो ही वॉज सरप्राइज या आफ्टर फ्रांस हैड काम डाउन. अब फाइनली वो बेचारा इतने भागते भागते आ रहा था, ही वॉज पैंटिंग, वो हाफ रहा था. सो फाइनली जैसे ही फ्रांस काम डाउन होता है, ही नोटिस दैट एम हेमल वॉज वेयरिंग अ स्पेशल अटायर. हाँ रखेंगे, आई डेफिनेटली डेफिनेटली गो फॉर अ टेस्ट, डोंट वरी, टेस्ट तो लिया जाएगा. ठीक है, सो ही नोटिस दैट. बच्चा आई लेट यू नो, ओके. तो उस दिन क्या होता है, तो अब फाइनली नोटिस कर रहा है फ्रांस की जो उसका टीचर है उसने क्या पहना है, ही वॉज वेयरिंग अ स्पेशल अटायर. उसके टीचर ने बहुत एक डिफरेंट स्पेशल अटायर पहना हुआ है, विच ही वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन, जो उसका टीचर एक स्पेशल ओकेजन्स पे पहना करता था. सो दिस इज द अनदर सरप्राइज,
What is another surprise? That his teacher is wearing a very special attire that he basically wear on special occasions. So that is another thing that is that seems to be very surprising to him. The whole school was so strange and a seriousness prevailed in the atmosphere. Everything was so serious. Embroidered means bacha jisme kaam hua ho. है ना, हाँ, ग्रीन कोट पहना था. सो द स्कूल वॉज सो स्ट्रेंज, सब कुछ बहुत शांत था एंड द सीरियसनेस प्रिवेल्ड इन द एटमोसफेयर एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रिवेल सीरियसनेस प्रिवेल्ड मतलब होता है बच्चा छाई हुई हर तरफ चारों तरफ देयर वाज सीरियसनेस ऑल अराउंड. सो बट व्हाट सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड हिम द मोस्ट वॉज टू सी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली. बट अगेन फर्स्ट सरप्राइज क्या मिला था उसको? ओके बच्चा, आई डेफिनेटली टीच यू दिस. फर्स्ट सरप्राइज उसको क्या मिला था? व्हाट वाज द फर्स्ट सरप्राइज? द फर्स्ट सरप्राइज वाज ही सॉ ही फर्स्ट सरप्राइज वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल दैट इट वाज सो क्वाइट एंड साइलेंस. नो बडी वाज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉइसेस. सो ये देखा था. सेकंड उसके लिए जो सेकंड सरप्राइज था दैट वाज द बिहेवियर ऑफ एम हेमल. Why he was so surprised to see the behavior of M. Hamel? Because usually his teacher used to scold him whenever he used to get late. But this time instead of scolding him, his teacher told him to sit down. So that is the another thing that surprises him the most. The third thing that surprises him is when he saw his teacher wearing that green embroidered cloth. Yeah, he was wearing a special suit. सबसे ज़्यादा वो देखता है कि एक special suit पहना. So that is the third thing that surprises him the most. And the last thing that surprises him the most is कि इतना they when he saw the people villagers sitting on the back benches. जब वो क्या करते हैं गांव के लोगों को देखते हैं who were sitting on the back benches and there's no point for the people to come in the class. So what is the reason why they were there? वो वहाँ पे क्यों बैठे हैं? सो दैट इज़ द थिंग कि वो काफ़ी सरप्राइज फील कर रहे हैं कि लोग पीछे क्यों बैठे हैं. वाई दे आर सिटिंग इन द बैक बेंचेस? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? वाई एवरीथिंग इज सो साइलेंट? वाई देर इज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ माई टीचर? सो ऑल दिस क्वेश्चन वर कमिंग इन टू हिज माइंड अगेन एंड अगेन एंड ही वॉज ट्राइंग टू फाइट फ्रॉम ऑल दीज थॉट्स. है ना? या एंड दे लुक ऑल वेरी सैड एंड द अनदर थिंग इज दे ऑल वर लुकिंग वेरी सैड. वो काफ़ी कैसे दिखते हैं? सैड थे. दे ऑल वर लुकिंग वेरी सैड. सो दैट इज द थिंग. ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है बच्चा? ओके, मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं. फ्रांस वॉज स्टिल वॉन्डरिंग. वो क्या कर रहे हैं? अभी भी वो वॉन्डर ही कर रहा है. ही इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट एज ही ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड हिम. ठीक है? As Franz was still wandering, वो अभी भी wander कर रहा है. As he observed the changes around him, जैसे ही वो अपने changes around देखता है. When M. Hamel mounted on the chair and made the dreadful announcement, बेचारा अभी भी कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है, ख्याली पुलाव बना रहा होता है. तब तक अगेन क्या होता है? M. Hamel अपने चेयर पर माउंट होते हैं. He stand on his chair and made a dreadful announcement. Do tell me what is the meaning of dreadful? Is there anyone जो बताएगा मुझे dreadful का मतलब क्या होता है यार? ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेडफुल? फियरफुल. या इट वाज अ फियरफुल अनाउंसमेंट. या बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली अनाउंसमेंट थी. ओके बच्चा, शाबाश कृतिका, वेरी गुड. He told the class that it was their last French lesson. Sad and fair. Yeah, it was their last French lesson. The order had came from Berlin to teach only German the schools of Alsace and Lorraine. And finally, he made a dreadful announcement. And what was the announcement? The announcement was the French language no more to be taught in the English. Harshit, wait, bacha. Pehle understand to kar lo. Then only I'll ask you questions, na. First of all, it's my duty to teach the students, then only you can ask questions or I will ask you questions. Okay? He told the class that it was their last French lesson and the order had came from Berlin. और एक order आया Berlin से जिसमें लिखा गया है कि आप केवल Germany ही पढ़ा सकते हैं and French language should not be taught in the school of Alsace and Lorraine anymore. तो अब आपसे French language नहीं पढ़ा सकते. And why this sort of announcement had came? क्यों आई थी, इस तरीके की अनाउंसमेंट क्यों आ चुकी थी वहाँ पे? Because एक ऑर्डर आया था बर्लिन से. है ना? These words were like a little shock to little France. अब ये जो सारे वर्ड्स हैं यार, it seems like a shock to little France. अब सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा उसको लग रहा है फ्रांस को. है ना? अब यहाँ पे उसके लिए ये शॉक क्यों है? Why is feeling really very shocked after this announcement? क्यों शॉक फील हो रहा है उसको?
नाउ ही रिमेंबर दैट गैदरिंग इन द टाउन हॉल. और आप जैसे ही वो शॉक फील करता है उसी टाइम उसको वो गैदरिंग रिमेंबर आ जाती है, मतलब ही जस्ट रिमेंबर दैट गैदरिंग फ्रॉम द टाउन हॉल. और उसका रीज़न क्या था, रीज़न क्या है टाउन हॉल की गैदरिंग का, कि जितनी भी सैड न्यूज़ थी वो उसी उसी बोर्ड से आ रही थी पिछले 2 सालों से. तो इसका मतलब ये था कि ये जो अनाउंसमेंट थी ये भी उसी बुलेटिन बोर्ड से थी. दैट इज़ द रीज़न पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट बुलेटिन बोर्ड. या क्योंकि वो अब कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा. शाबाश ऋतिक. ओके, दैट वॉज द रीज़न दैट ही विल नो मोर बी एबल टू स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज. सो वाई ही रिमेंबर द गैदरिंग इन द टाउन हॉल. यहाँ पर उसको गैदरिंग क्यों याद आ रही है टाउन हॉल की, बिकॉज ऑल द बैड न्यूज वर कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुलेटिन बोर्ड फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स. एंड नाउ ही रियलाइज द पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एंड वाई दे वर लुकिंग सैड, जस्ट बिकॉज द सेम नोटिस वॉज प्लेस देयर. एंड वट वॉज दैट नोटिस, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कि फ्रेंच लैंग्वेज शुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन एनी मोर. सो दैट वॉज बेसिकली द अनाउंसमेंट दैट केम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुलेटिन बोर्ड. ओके बच्चा, समझ आ गया सबको? थम्स अप सेंड कर दो इन केस इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस. डू सेंड मी थम्स अप. ओके, ताकि मुझे भी समझ आ सके. समझ आ रहा है? फ्रांस वॉज टोटली शॉक बाय द सडन टर्न ऑफ द इवेंट्स एंड ही इज रियली वेरी शॉक दिस कि क्या हो गया. एंड ही रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्न हिज लेसन्स प्रॉपरली व्हेन देयर वाज स्टिल टाइम. एंड फाइनली ही इज फीलिंग रियली वेरी सैड. एंड व्हाई ही इज फीलिंग रियली सैड, जस्ट बिकॉज दिस इज द टाइम कि अब वो नहीं पढ़ पाएगा. सो दैट इज द रीजन ही इज फीलिंग रियली वेरी सैड. एंड ही इज ऑल्सो रिग्रेटिंग कि उसने कभी भी अपने लेसन्स को सीरियसली नहीं लिया. नाउ ही विल नेवर बी एबल टू लर्न देम. एंड वट ही सेइंग, वो कह रहा है कि नाउ ही विल नेवर बी एबल टू लर्न देम. अब वो कह रहा है वो कभी भी इनको पढ़ नहीं पाएगा. समझ आ रही है? वो कह रहा है कि नाउ अब वो उसको कभी भी पढ़ नहीं पाएगा. ओके, ही हैड वेस्टेड हिज प्रेशियस टाइम अवे फ्रॉम द क्लास. उसने अपना सारा का सारा टाइम यार क्लास से बाहर वेस्ट किया. Engaging himself in useless activities. He always used to engage himself in useless activities. Yeah, he lost their language. Useless activities, जैसे कि क्या, seeking birds' eggs, going sliding on the Saar River and so on. And there were a lot of useless activities that he used to do in order to bunk classes. So that was the thing, that was the useless thing. And his books, which were a nuisance to him, and all the books which he had always considered as nuisance seems to be, and he is totally feeling those books as his friends. Usko uski friends ki tarah wo books seem ho rahi hain. Okay, yeah bache, there is a class on Plus platform today. Okay, so make sure you join the class. His books, which were a nuisance to him, felt like old friends. His feelings for the teacher too started changing. And earlier he used to, what was his views about his teacher? He used to think that his teacher is a cranky fellow. He used to consider his teacher as a cranky fellow. Uska teacher usko, matlab usko apna teacher ek cranky fellow, chirchida aadmi lagta tha. But now all of his feelings for his teacher also changed. सारी की सारी चेंज हो गई हैं. द थॉट दैट MML वॉज गोइंग अवे एंड द फ्रांस वुड नेवर सी हिम अगैन मेड हिम फॉरगेट अबाउट ऑल द क्रैंकी MML वॉज. एंड बिकॉज ऑफ दिस थॉट दैट MML विल नेवर एवर कम एंड टीच देम दिस फ्रेंच लैंग्वेज अगैन, ही वॉज फीलिंग रियली वेरी सैड. एंड उसकी जितनी भी फीलिंग्स है वो सारी चेंज हो गई हैं और वो ये सब भूल गया है कि कितने MML कितने क्रैंकी हुआ करते थे. एंड सडनली कुछ जनरेशन उसके माइंड में कुछ अच्छी फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं. किसके लिए? MML के लिए. And what is the reason of these good feelings? Because he will no more be able to learn French. Franz was feeling sorry for him. And Franz is feeling really very sorry for him. And why he is feeling sorry for him? Because, kyun feel kar raha hai sorry? Because his teacher will no more be able to teach his students. It was just the owner of the last lesson. And finally, Mitali. Okay, so Mitali is understanding everything. And finally, it was in the honor of his teacher. And in the starting, I told you ki jitne bhi backbencher, jitne bhi jo villagers the, they were sitting on the backbenches. And Franz was trying to know the reason behind that. Wo try kar raha tha uske piche ka reason jaane ka. But ultimately, he got his answer. And what is the answer? What he got? उसको क्या मिलता है बच्चा? उसको क्या समझ आता है? ओके आयुष वेट, उसको क्या समझ आता है? उसको ये समझ आता है कि ऑल द पीपल वर सिटिंग
in the back benches, on the back benches, because they want to show their love and affection to the teacher for his selfless services for more than 40 years. 40 साल से वो टीचर वहाँ पे अपनी selfless services को provide कर रहा था, तो यही reason था कि वो last benches पे लोग बैठे हुए थे, ताकि वो क्या कर सके, अपने टीचर को ट्रिब्यूट दे सके. एंड दैट इज द रीजन हिज टीचर इज वेयरिंग अ स्पेशल क्लोथ. एंड फाइनली उसको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, और यही रीजन है कि उसके टीचर ब्लैक ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ पहन के आए हैं. सो ये फाइनली रीजंस है. आयुष ने बोला था एक्स के एग्जाम, बच्चा फाइनली व्हेन द नोटिस केम फ्रॉम बर्लिन दैट फ्रेंच लैंग्वेज शुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलसीएस एनी मोर, दैट टाइम फ्रांस वॉज फीलिंग रियली वेरी सैड. ही फेल्ट रियली बैड अबाउट इट, कि अब उसको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिलेगी, है ना, क्यों, और अब वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने अपने सारे ही हैड वेस्टेड ऑल ऑफ हिज प्रेशियस टाइम अवे फ्रॉम द क्लासेस. कभी भी क्लासेस अटेंड नहीं करी उसने, अपने सारे के सारे प्रेशियस टाइम को वेस्ट किया है. एंड कहाँ वेस्ट किया है, ही यूज टू वेस्ट हिज टाइम इन द यूजलेस एक्टिविटीज लाइक सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़िया के अंडों को वो करना, निकालने चले जाना, या फिर सार रिवर में चले जाना. एंड देयर वर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज एज वेल, ठीक है, जहाँ पे वो टाइम वेस्ट किया करता था. एंड ऑल दोज बुक्स जो उसको एक न्यूसेंस लगती थी, एक ऐसी चीज़ें लगती थी जो कि वेस्ट थी, मतलब उसने हमेशा उसको बकवास समझा है, सडनली फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, वो उसको अचानक से एक ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लग गई. ओल्ड फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि हाँ, पुराने दोस्तों की तरह ही लिटरली ही suddenly get attached to those books. His feelings for the teacher too started changing, and suddenly uski jitni bhi feelings thi teachers ke liye wo change ho gayi. And finally he got answers of all his questions. The first question was why the people were sitting on the back benches. The reason was they were sitting there because they just wanted to show their love and affection to the teacher for the selfless services that he has been providing to the students for more than 40 years. Jo 40 saal se zyada apne students ko provide kar raha tha, है ना. एंड अनदर रीजन वाई हिज टीचर वॉज वेयरिंग दैट पर्टिकुलर ग्रीन कोट, द रीजन वॉज ही वॉज वेयरिंग दैट पर्टिकुलर ग्रीन कोट बिकॉज, क्यों पहना हुआ था, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर, दिस वॉज द लास्ट क्लास, लास्ट फ्रेंच क्लास थी, बिकॉज दैट वॉज द लास्ट फ्रेंच क्लास ऑफ द टीचर एम एम एल. ओके, व्हाइल फ्रांस वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस टू गिव ग्रेटिट्यूड, या जब फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, ही हर्ड हिज नेम कॉल्ड आउट, एंड व्हेन ही इज ट्राइंग टू जस्ट गेट द आंसर ऑफ ऑल हिज क्वेश्चंस, ही उसने अपनी आवाज़ को सुनता है. ही हर्ड दैट समवन कॉल्स आउट हिज नेम, ही इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट. अब फाइनली वो उसकी बारी थी कि वो क्या कर सके, रिसाइट कर सके. ही वुड हैव गिवन एनीथिंग टू बी जस्ट एबल टू से रूल एंड लाउड क्लियरली. सो बेसिकली टीचर ने क्या किया उसको, ओके आयुष, टीचर ने बेसिकली क्या किया उसका, उसको आवाज़ लगाई एंड उसको बोला कि अब तुम क्या करो, रिसाइट करो. एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू रिसाइट, ही इज ट्राइंग टू रिसाइट अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स. सो बेसिकली दैट डे ही वांटेड टू ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू रीड दैट पर्टिकुलर लेसन, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मिक्सड अप. वो पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट करे उस लेसन को पढ़ने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मिक्सड अप. Yeah, he ensured to answer the participants, but somewhere unfortunately he got mixed up on the very first word. And what was the reason? Because he was not prepared with lesson on participles. Yeah, but he couldn't. He wanted to tell teacher, he wanted to explain the class, he wanted to recite it aloud, but somewhere he was not able to do this. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मिक्सड अप ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड. ही वॉज अशेम्ड एंड स्टूड होल्डिंग हिज डेस्क. फाइनली ही इज फीलिंग रियली वेरी अशेम्ड, बहुत उसको बुरा फील कर रहा है. एंड वो अपनी डेस्क पे खड़ा है, अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा है. एम हेमल सेड दैट ही वुड नॉट स्कॉल्ड हिम, एंड अगेन एम हेमल रिपीट द सेम थिंग दैट ही वुड नॉट स्कॉल्ड हिम टुडे, वो उसको आज स्कॉल्ड नहीं करेगा. देन अब वो क्या कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं पाया इन सब चीज़ों के बारे में, तो ही समवेयर ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल ओवर दिस मैटर दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो. एंड वट इज़ द रीज़न, वो क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टॉक, ही इज़ ट्राइंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स एंड द पेरेंट्स एज वेल ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. And what he does, वो criticize करना शुरू कर देता है. He criticizes the people of Elsies for the habit of putting off learning. What does this word putting off mean? Putting off का मतलब क्या होता है? Okay Harshit, putting off का मतलब क्या होता है यार? What does this word putting off means?
जल्दी से बताओ। तो की ओके बच्चा, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट एंड इज देयर समथिंग इम्पॉर्टेंट सो यू कैन लीव द क्लास, नो इश्यूज अर्षित। ओके हेलो सूरज, सो मैंने बताया था पुटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से लिखो फटाफट से, गूगल चाचा को गूगल करो, लिखो पुटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट नहीं आता तो देख करके तो आओ कम से कम, थोड़े कष्ट करा करो। केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मैसेज करने के लिए हाथ चलते हैं, तुम लोगों के आगे पीछे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वट डज द वर्ड पुटिंग ऑफ मीन्स? डीले करना या किसी चीज़ में डीले करना, उसको फॉर ग्रांटेड लेना। सो दैट इज़ द रीज़न। सो बेसिकली हिज टीचर क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ एलसेस फॉर पुटिंग ऑफ, यानी कि फॉर डीलेइंग, या कि वो क्या करते थे, हमेशा अपनी पढ़ाई की हैबिट को डीले करते हैं फ्यूचर के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न ही इज़ ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द पीपल। मैम मैंने 11th में 94 out of 100 आए थे, शाबाश। ओके सो ही ब्लेम्ड योर पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ब्लेम द पीपल ऑफ एलसेस, देन ही ब्लेम द पेरेंट्स। पेरेंट्स को वाई ही इज ब्लेमिंग पेरेंट्स? पेरेंट्स को ब्लेम करता है बिकॉज दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज ऑफ दियर चिल्ड्रन, वो अपने चिल्ड्रन की स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे। एंड एट द एंड ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज वेल, एट द एंड वो खुद को भी ब्लेम कर रहा है। वाई ही इज ब्लेमिंग हिमसेल्फ? ऑफन ही सेंड द स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स, एंड ही इज ब्लेमिंग बिकॉज ही यूजली यूज टू सेंड ऑल ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर करने के लिए, या कभी कभी उनको छुट्टियाँ दे दिया करता था जब भी उसके टीचर को फिशिंग के लिए जाना होता था। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू एंड बेसिकली ही इज ट्राइंग टू टेल एवरी वन की हाउ केयरलेस वी वर वेन इट कम्स टू लाइक फ्रेंच लैंग्वेज। हमने हमेशा कितने ज़्यादा हमने क्या किया है, अपनी लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड लिया है हर चीज़ के लिए। वी हैव नेवर पेड अटेंशन टू आर लैंग्वेज एंड वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड आर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड, वी हैव ऑलवेज टेकन आर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड। ओके दैट इज बेसिकली दैट टॉकिंग अबाउट। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा, दैट इज दैट बेसिकली डील्स विद एम हेमल, वट आर द व्यूज ऑफ एम हेमल over French language. So this is very important questions when it comes to board examination. So board examination mein ye question aata hai bacha, that is what were the views of M. Hamel over French language. Yeah. So the yahan pe kya kehte hai, M. Hamel then talked about the French language. So basically he started talking about the French language. Okay. French language ke bare mein ab wo logon ko batana shuru karta hai. Basically he is trying to make the people aware of this language. Hai na? ओके ही कॉल्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। सो मिताली एंड ऋतिक दे आर कुरदीप कौर या सम ऑफ द पीपल आर देयर हु आर ट्राइंग मी हु आर आंसरिंग मी एवरीथिंग। हेलो शीतल शीला त्रिपाठी, यही वाली शीला हो तुम। एम एम एल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। सो बेसिकली एम एम एल इज देन टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सो ही कॉल्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज। सो यहाँ पे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या क्या प्रेज करता है। What he told about French language, he said that it is the most beautiful language, the clearest and the most logical language in the world. So you have to learn this sentence as it is written here. जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको पढ़ना है, because यही चीज़ें जो आपने underline करनी है। He called it the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. Yeah. Okay, Kritika, nice. He wanted the people of France to treasure their language, and what he is trying to convey the people, what sort of message he is trying to give to the people. He is saying ki aapko apne language ko convey, treasure karke rakhna chahiye, bacha ke rakhna chahiye. There is a need to treasure your language. So yahan pe there is an example is given here. Yahan pe kya likha hai, dekho dhyan se. According to him, means according to M. Hamel. So here him refers to M. Hamel. According to him, whenever the people of particular nation are enslaved, जब भी किसी भी देश को हम enslave कर लेते हैं, basically जब हम उनको बंधक बना लेते हैं, as long as they are attached to their language, जब तक वो अपने language और अपने culture से attached हैं, they can easily consider, वो ऐसा सोच सकते हैं कि उनके पास उस jail की चाबी है। समझ आ रही है सबको। when India were like कि जब इंडिया को गुलाम बनाया गया था, that time all the people united together. We all have our language that time. हमारे पास हमारी language थी, we used to respect our mother tongue, हमारे पास हमारे लोग थे जो आपस में unite किए थे, and उस time पे
यही रीज़न था कि हम उस प्रिजन से बाहर निकल पाए. सो दैट इज़ द थिंग एंड दैट इज़ वॉट एम एम एल ट्राइंग टू कन्वे हेयर कि एज लॉन्ग एज यू हैव यू आर अटैच टू दियर लैंग्वेज यू कैन ईजली से दैट यू कैन कंसिडर दैट यू हैव की टू योर प्रिजन. आपके पास अपने प्रिजन के लिए मतलब अपने ताले की चाबी है. सो एम हेमल ओपन अ ग्रामर बुक एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन. सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये दो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे एम हेमल क्या करते हैं, ग्रामर बुक को ओपन करते हैं एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन एंड फाइनली एम हेमल ओपन द ग्रामर बुक. फर्स्ट लेसन वॉज ऑन द लेसन ऑन पार्टिसिपल, द सेकेंड लेसन इज ओवर ऑन अ ग्रामर बुक, द सेकेंड लेसन इज ऑफ ग्रामर. तो ग्रामर की सेशन यहाँ पे सेकेंड लेसन हुआ था, ग्रामर बुक खोलते हैं और उनको लास्ट लेसन पढ़ाते हैं, टॉट देयर लास्ट लेसन. फ्रांस वॉज अमेज टू सी हाउ वेल ही इज एबल टू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड नाउ फ्रांस इज अगेन फीलिंग रियली वेरी अमेज. हेलो अमृता, यहाँ पे फ्रांस को अगेन दोबारा से बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील हो रहा है. वाट वाई ही इज फीलिंग सो सरप्राइज. अब इसको सरप्राइज क्यों फील हो रहा है बच्चा, बिकॉज उसने उसको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है. ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग वेरी वेल एंड सब समझ आ रहा है. इसके लिए उसे दो रीज़न मिलते हैं. ओके, ही फाइनली गॉट टू रीजन्स फॉर दैट. फर्स्ट वन वॉज कि फ्रांस थॉट दैट प्रोबेबली ही नेवर पेड मच अटेंशन इन द क्लास. पहला रीज़न होता है कि वो सोचता है कि शायद उसने ही नेवर पेड दैट मच अटेंशन इन द क्लास, कि कभी उसने इतना ध्यान नहीं दिया ही नहीं कि उसको कभी समझ आएगा. हेयर आई ऑल्सो मेड अ पिक्चर इफ़ यू कैन सी दिस कि माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन आई विल गिव यू. डॉटर इज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन. तो यहाँ पर टीचर खड़े हैं बेसिकली एंड यहाँ पर वो बच्चों को पोर्ट्रे कर रहे हैं. तो यू कैन सी हेयर दिस इज द पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर है एक, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. सो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि दो रीजन्स मिल रहे हैं. सो दो रीज़न क्या है यार, थैंक यू अमृता. टू रीजन्स आर, फर्स्ट रीज़न वट ही कंसिडर दैट कि कभी उसने शायद इतना अटेंशन ही नहीं दिया कि उसको चीज़ें समझ आए. एंड द सेकेंड रीज़न जो होता है दैट वॉज कि मे बी एम हेमल हैव नेवर एक्सप्लेन्ड एवरी थिंग विद सो मच पेशेंस. दूसरा रीज़न वो कहता है कि शायद कभी भी टीचर ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जितना पढ़ाया करता है. या बच्ची यू कैन आस्क क्वेश्चन, नो इशूज. एम हेमल हैड ड्रॉट न्यू कॉपीज फॉर देम दैट डे. सो बेसिकली एम हेमल न्यू कॉपीज लेकर के आए थे उनके लिए उस दिन पे. एवरी वन वॉज इमर्ज्ड इन दियर वर्क, एवरी वन वॉज बिजी डूइंग दियर वर्क, डूइंग दियर स्टफ. इवन द लिटल चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लास वर ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स. सो जितने भी जो लोग थे, जितने भी टीचर्स थे, जितने भी जो चिल्ड्रन थे जो पीछे बैठे हुए थे, विद दियर ट्रेसिंग दियर फिशिंग हुक्स. ट्रेसिंग दियर फिशिंग हुक्स का मतलब क्या है, एज द फिश हुक ग्रैब फिशेज. जैसे एक फिश हुक का क्या काम होता है कि वो फिश को ग्रैब करती है. सेम दे वर ट्राइंग टू ग्रैब देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. ठीक है, समझ आ रही है. या यू कैन सी द क्लासेस, you can see the classes, you can see the free classes, but the thing is you have to write Kriti Sharma and you will get all the free lectures there. Okay, if you don't have subscription then only you can see some of the special classes that I teach on an academy. Okay, so everyone was immersed in their work. So as the fish grab most of the fishes, the children were trying to grab their last lesson. Okay, yahi yahan pe ho raha hota hai. All the while M Hamel sat motionless in the chair. So jab ye sab kuch ho raha hota hai to M Hamel sat motionless. So basically finally wo motionless apne chair pe baith jate hain. Franz thought that the M Hamel wanted to imprint this classroom scene in his mind. So what फ्रांस इज थिंकिंग हेयर, यहाँ पे फ्रांस क्या सोच रहा है, ही इज थिंकिंग कि यहाँ पे टीचर एम हेमल द टीचर वॉन्टेड टू इम्प्रिंट द क्लासरूम सीन, वॉन्टेड टू इम्प्रिंट दिस क्लासरूम सीन इन हिज माइंड. ओके, दिस इज वॉट ही इज रियली ट्राइंग टू डू. फॉर द 40 ईयर्स ही हैड गिवन हिज फेथफुल सर्विस टू द स्कूल एंड नाउ हिज सिस्टर वॉज पैकिंग दियर स्टफ. सो इट्स बीन 40 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस टीचिंग देयर. वहाँ पे 40 साल से पढ़ा रहा था एंड दिस इज द टाइम फॉर हिम टू लीव. Okay, so all this must have been really heartbroken to him. So this was really heartbroken to him. Why? Who is saying these words? These words are said by France. France is trying to convey these words. He is thinking all this thing in his mind. वो सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा और उसको नहीं अच्छा लग रहा था. Finally, they had a last lesson in history. And finally, उनके एक last lesson होता है which was on topic history. So first lesson was on participle, the second was on grammar and the third one is on history. Okay, the last lesson is of history. So everybody became emotionless towards the end. So dheere dheere
सब बहुत ज़्यादा इमोशनलेस हो गए, मतलब इमोशनल हो गए हैं एंड में. ओके, सम इवन स्टार्टेड क्राइंग एंड सम ऑफ द पीपल गॉट दैट इमोशनल कि दे इवन स्टार्टेड क्राइंग. कुछ लोग तो रोने भी लग गए. सो पीपल स्टार्टेड क्राइंग एज वेल. बट एम एम एल हैड द करेज एंड पेशेंस टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट. बट एम एम एल स्टिल बोल सकते हैं कि स्टिल करेज है, बहुत ज़्यादा करेज है उनके पास कि वो क्या कर सकें, इस क्लासेस को ले सकें. स्टिल हैव द लेसन कि वो क्या कर सके यार, अपने लेसन को लेकर के जा सकें. ठीक है. फाइनली एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड जैसे ही चर्च में यानी क्लॉक में 12 बजते हैं एंड ही ट्राई टू स्पीक. ओके, तो एम हैमल भी इमोशनल हो जाते हैं. वाई ही बिकेम इमोशनल? ही बिकेम इमोशनल बिकॉज ही गॉट टू नो यार दिस इज 12 एंड दिस इज द टाइम फॉर हिम टू लीव द क्लास. एंड ही ऑल्सो रियलाइज दैट he will no more be able to teach French again. So he tried to speak but he choked. So at the end he wanted to address the students. He wanted to do this but he couldn't. He got choked. वो चोक हो गया, वो कुछ कह नहीं पाया. So then he turned to the blackboard. और वो क्या करता है यार, blackboard की तरफ turn होता है. Sanjana, what's your question? Ma'am, can we not see the lectures and live lectures without subscription? If you are not having subscription, in that case you can only see special classes. Okay, you can only see special classes. In case if you are having subscription, at that time you can see my plus classes as well. Okay, so there is no issue. Okay, chalo. So finally he was evident that the church yahan pe hua ki then he returned to the blackboard. Then what's the thing, wo apne Q&A ki taraf he turned towards the blackboard and he wrote as लार्ज एज ए कुड. जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकता था उतना बड़ा बड़ा वो क्या करता है यार, बोर्ड पे जाकर के लिखता है. एंड व्हाट ही राइट देयर, ही राइट वाई विल ऑफ फ्रांस. वाई विल ऑफ फ्रांस इज बेसिकली इज अ सेंटेंस दैट इज दैट सिग्निफाइज बेसिकली एक फ्रेंच सेंटेंस होता है जिसका मतलब होता है लॉन्ग लीव फ्रांस. ओके, सो दैट वॉज रिटन by the teacher on the blackboard, why will I France? Okay, he then dismissed the class. Finally, he notified the students, he tell the students ki now you can dismiss the class, signalizing everyone of you to leave. Signalizing everyone to leave. यानी कि सबको वो signalize करता है कि this is the time आप क्या कर सकते हो, leave कर सकते हो, and we are already done with this thing. So I think I have completed this chapter. This is the whole summary. More than that, that much is totally sufficient for you if you want to score good, like if you want to score 95, 96, 97, 98, 99 marks in your English exam. Okay, to itna bahut hai, that will definitely help you out. The thing is you need to focus on 2 to 3 things. Whatever am I teaching in the class, you have to listen to that thing, and I'll also provide you important questions. I will provide you about 10 to 15 important questions, and you will get question in your examinations from those only. एक उनमें से कोई एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा. सो यू विल डेफिनेटली स्कोर 100 on 100. सो आई थिंक आई एम ऑलरेडी क्लियर. इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू यार? डू लेट मी नो. इतना सबको चैप्टर समझ आ गया? व्हाट वाज द थिंग दैट सरप्राइज द फ्रांस? क्या क्या चीज़ें थी जिससे फ्रांस काफ़ी सरप्राइज फील करता है? व्हाट वर द थिंग्स? जल्दी से लिख करके बताओ फ्रांस किस किस चीज़ों से सरप्राइज होता है. व्हाट वाज अनयूजुअल दैट डे? राइट इट डाउन फास्ट. उस दिन अनयूजुअल क्या होता है? What was unusual that day? What was unusual that day? Yeah, they were silent in school. Shabash. Okay, Ritik. Second unusual thing kya tha? M. Hamel clothes, yeah. About M. Hamel clothes. So, what M. Hamel was wearing? What M. Hamel was wearing? M. Hamel was wearing a green embroidered cloth. Yeah. Green embroidered coat. And he was also wearing a silk cap. Okay. I will tell you this in. M. Hamel wears special suit. Yeah. Hamel's costume. Thank you for using English. Villagers, not villages. You have to write villagers at the back benches. The third thing that he notices is there were a lot of people who were sitting on the back benches. Okay, and the behavior as well. What sort of change was there in the behavior? Yeah, M. Hamel did not scold him that day. She was wearing a Gucci snapback. Who the hell is he? ठीक है, तो he was wearing की मतलब क्या होता है? He was wearing a green coat.
ठीक है, समझ आया आपको इतना जितना मैंने बताया? इज दैट मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ओके या एम एम एल वॉज सो पोलाइट, या एम एम एल वॉज सो पोलाइट, ही वॉज सो पोलाइट, पोलाइट था एम एम एल, काफ़ी पोलाइट था, है ना? दैट डे यूजली ही यूज टू एक्ट एज अ क्रैंकी फेलो, क्रैंकी फेलो की तरह बिहेव किया करता था, बट दैट डे ही वॉज वेरी साइलेंट. यस मैम, इज दैट मच क्लियर? ओके नाउ डू टेल मी. ओके what was the, okay just do tell me what were the views of M. Hamel on French language? What are the views of M. Hamel French language के बारे में? M. Hamel के क्या views हैं? जल्दी से लिखो, 10 minutes are left for the class. Ritik, I think my next session is on 22nd. I still don't know, but still I think we all should report that user. Yeah, I think you should report that. I don't know who is this toad pickle or something like that. Yeah, it is the most language, most logical language. It is the most simple and logical language. Shabash. It is the most beautiful. Beautiful. Kahe spelling galat dikhte ho bhai class mein? English ki class mein English ka spelling galat. Yes, Mark J. बच्चा प्लीज़ काइंडली रिपोर्ट दीज टू यूजर्स, आई डोंट नो हु आर दे आर जस्ट ट्रबलिंग आर लाइव क्लास, सो मेक श्योर रिपोर्ट देम. बच्चा रिपोर्ट देम, आर यू गेटिंग एन ऑप्शन टू रिपोर्ट देम? या आई हैव गेटिंग द रिपोर्ट, या आई हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड देम, इट्स बेटर रिपोर्ट देम. ओके जल्दी से रिपोर्ट दें बच्चा, रिपोर्ट दीज यूजर्स, आई डोंट नो हु आर दे एंड व्हाट आर दे डूइंग इन आर लाइव क्लास, सो इट्स बेटर यू कैन रिपोर्ट देम. हाउ मैनी ऑफ यू रिपोर्टेड देम? ऋतिक बच्चा रिपोर्ट देम, आई डोंट नो हु आर दे. जल्दी से, आई विल रिपोर्ट ऑल ऑफ यू. कर दिया बच्चा रिपोर्ट, प्लीज रिपोर्ट हिम. So I have already reported both of them. Okay. So is that much clear to every one of you? Whatever I teach. Okay. Write down. मैंने क्या बताया था? Whatever I told you about French language. French language के बारे में मैंने क्या बताया था? It is the most beautiful, the logical language of the world. Okay. So is that much clear? M. Hamel opened a grammar book and taught them their last lesson. So finally, M. Hamel opened a grammar book. Being reported, I am not doing anything. I enjoy these streams very much. Okay. Why the villagers were sitting on the last benches? Answer this fatafat se bachcha, don't waste your time. Just write it down fast. Why the villagers were sitting on the last benches? Why they were there? Write it down fast, only 8 minutes are left. Before I end this session, I want every one of you to answer this question. Why the villagers were sitting on the last benches? Do tell me about this. They just wanted to respect M. Hamel. Okay, no. Yeah, respect M. Hamel is fine, but at least write at least a sentence so that I can read it. To give gratitude. You never give gratitude, you show gratitude, okay? To show love and affection, give tribute to the French language and M. Hamel, okay? Give respect to the M. Hamel because he has been teaching in the school for more than 40 years. Okay, Todd Pickles. Because they were watching the public trial of Mark. This is not good. To present in the last lesson he taught. Yeah. The thing was, they just wanted to show the love and affection to the teacher because he was providing selfless services to the students for more than 40 years. So this is the time for the villagers to show him, to give him respect back.
yeah, to show love and gratitude to M. Himmel. Okay. Why Franz regretted at the end of this lesson? Why Franz regretted at the end of the lesson? उसको क्यों regret होता है? Why he regretted? Do let me know. Okay, Mark, write down the answer. Why he regretted at the end of the session? Lesson में वो क्यों regret करता है? He regretted for. Write down answers fast. I have already taught you this thing because he did not learn the language and he cannot learn it anymore because he never paid attention. Yeah. Shabash Mehak. That he cannot learn his own language. Yeah. This is the time because he will not be able to learn his language anymore. I am an astronaut. Okay. For not learning his mother tongue. Okay. Yeah. Because he will not be able to learn mother tongue. He will never try to learn French because he have never paid attention. Okay, he never paid attention to his lectures and this is the time that he will no more be able to read French language or to study French language. So that is the reason he regretted. He regretted at the end of the lesson. And what was the reason? Because he will no more be able to study French. Because an order has came from Berlin that Germany should be taught in the schools. Okay. Ma'am, which are you read, please tell. Means? Yeah, he never paid serious. He was never serious about his lectures. And the second thing is he also regretted for putting off his learning for the future. Putting off his learning, basically this particular sentence will add to your language. For putting off his studies for future. आगे बढ़ाने के लिए अपनी लैंग्वेजेस को डिनाई करने के लिए हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ही वाज नेवर सीरियस अबाउट देयर लैंग्वेज. या वेरी गुड. ओके. व्हाई हिज टीचर ब्लेम्ड हिमसेल्फ. व्हाई एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ. व्हाई एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ एल्सेस. व्हाई एम हेमल blame himself and the people of Elsass. Okay, do tell me this. Tell me this, bacha. Why he blamed himself and the people of Elsass? Because he even gave leave to the students when he wanted to go to fishing. Because yeah, he used to give holidays to the students whenever he wanted to go to fishing. Because his teacher used to give holiday when he wanted to go to fishing. Very good. Because he got the teacher fired from his jobs. You cannot tell yourself an astronaut as it's a US brand, just like cosmonaut of USSR. I don't know who these people are in my live class today. I need to get some information about them because he never trying to know France. Because sometimes he sent Franz to the garden to water the plants and he also make holidays when he ever wanted to go to fishing. So, bacha, you are writing good, but there are some sort of grammar mistakes in your answer. So, make sure you improve that. Because in case if you have to, because you have to write this in your examination hall as well. Okay, so make sure. Is that much clear? Okay. In the next class, in the very next class, the class will be of like block him. I don't know who these people are. You are being a very good teacher. Thank you so much, Mark. Okay, so I think we are already done with this class. In the next class, we will discuss all the important questions from this chapter. That will definitely help you out to score good in your board exams. Okay, so make sure you attend the class, the next class. Most probably it would be on 22nd of July. So, till then you have to wait for the next class. You will get the notification. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that every time I upload anything and every time I come live, you will get the notification. I have banned Mark J. Care for you. So, is that much clear?
समझ आ गया चैप्टर सबको यार, फटाफट से बता दो. इज दैट मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ओके, समझ आया? इज दैट मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस. एंड टुडे आई हैव अ क्लास एट 9 PM टुडे. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, या ग्रामेटिकल मे बी देर आर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ दिस ऑटो टाइपिंग. वट यू आर डूइंग टू नाइट मैम? फैंसी ड्रिंक, व्हाट द हेल. मिलते हैं 9 बजे. ओके फाइन, श्योरली. सो आज का लेक्चर क्लियर हो गया? यू आर वेरी प्रिटी मैम, वेरी गुड टीचर, थैंक यू सो मच. ओके, सो इज दैट मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यार मेक श्योर टू लाइक दिस सेशन. ओके, मेक श्योर टू लाइक दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई कम लाइव. ओके, सो या सी यू टूडे एट. ओके, लव यू, लव यू टू बच्चा. आई थिंक आई हैव टू एंड दिस. We'll definitely do a quiz session as well. First of all, I just want to cover some of your chapters, like the main chapters, and then we'll continue doing these quiz sessions and all. Okay? Okay, Ritik. Don't go, I wrote you a poem. आई थिंक इट्स ऑलरेडी ओके, इट्स ऑलरेडी 5. आई हैव टू एंड दिस सेशन. ओके, टिल देन थैंक यू सो मच. सी या इन द नेक्स्ट लाइव. मेक श्योर यू ज्वाइन द नेक्स्ट लाइव. ओके, चलो बाय बाय बच्चा पार्टी.